नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले कंपनी संचालक सदस्य गिरफ्तार। कंपनी बना 7000 लोगों का खोला अकाउंट। कंपनी में गरीबों से जमा कराए 6000 करोड़। खबर जनपद बलिया से। करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाली कंपनी संचालक सदस्य को महाराष्ट्र से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम संजय चौरसिया ने अपने साथी अजय चौरसिया, अखिलेश चौरसिया और मनोज कुमार गुप्ता के साथ रॉयल सिंबल स्टेट एंड एग्रो टेक कारपोरेशन लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई। इसमें उन्होंने 7000 लोगों के अकाउंट खोले। लोगों से 6 करोड़ रुपए की राशि मिली। इस राशि से आरोपियों ने 7 जगहों पर जमीन खरीद ली और निवेशकों का पैसा वापस नहीं लौटाया। निवेशकों ने जब पैसे मांगे तो आरोपी कंपनी बंद कर भाग गए। इसके बाद आरोपी संजय को गिरफ्तार किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि वांटेड अभियुक्त संजय चौरसिया पुत्र रामेश चौरसिया निवासी अरसंडा थाना फेपना जनपद बलिया को मुखबिरी सूचना के आधार पर महाराष्ट्र के विश्रामवाड़े पुणे के स्वामी समर्थ मंदिर के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। ये जनपद बलिया में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना कोतवाली की टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। ये 2022 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था 547/22 और 23 में 7/23 419/20/67/68/71 का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसका वांटेड अभियुक्त ये आज पकड़ा गया है, संजय कुमार चौरसिया, जो यहीं फेफना के रहने वाले हैं। ये लोग एक कंपनी खोले थे जिस कंपनी का नाम था रॉयल सिंबल रियल इस्टेट एंड एग्रोटेक कारपोरेशन लिमिटेड, जिसमें क्षेत्र के बलिया जनपद के छोटे छोटे जो कारोबारी होते थे उनकी छोटी छोटी बचतों को पर डे के हिसाब से ये लोग अपने यहाँ जमा कराते थे और उसका एक निश्चित परसेंट अमाउंट के रूप में देने का इनका वादा था। परंतु कुछ दिनों बाद जब बहुत सारे लोग इनसे जुड़ गए तो लगभग 6 करोड़ के आसपास का पैसा इकट्ठा होने के बाद में इन लोगों ने यहाँ से अपनी कंपनी हटा ली और ये सभी यहाँ से भाग गए थे। उसी के संदर्भ में जो पीड़ित लोग थे उनके द्वारा मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें ये एक अभियुक्त अभी फरार चल रहा था, तो इनको पकड़ करके लाया गया है और आज माननीय न्यायालय के सामने इनको पेश किया। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से गौहर खान की रिपोर्ट।